इससे आगे नहीं जाने दिया जाएगा क्या? इससे आगे नहीं जाने दिया जाता है क्या? जा सकते हैं तो जी, क्यों अभी बंद है क्या? तो कौन आदमी है, नहीं आदमी है, ऐसे छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, एक सेकंड, हम मैं जरूर जरूर, क्यों नहीं, मैं जरूर अपना, देखो कोई भी आता है यहाँ तो गया, तुमको मार के बिक देगा तो फिर हमको क्या जवाब मिलेगा? जी 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 जरूर, दिखाओ साहब से आदेश लो। जी 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 पूजा वाला आदमी जाए। हाँ जी जी, जरूर जरूर जरूर। एक सर, ये मेरा आधार कार्ड है सर, मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से आया हूँ। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल का नाम है कोलकाता सिटी राइडर, मेरा नाम है बीजू, और सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। और ये पारसनाथ पार्ट टू दूसरा दिन है, और अभी सुबह का 7 बज रहा है, तो 8 बजे चेकआउट टाइम था ये जैन भवन का, तो मैं 7 बजे अभी बज रहा हूँ, अभी जस्ट निकल जाऊँगा, क्योंकि टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा है नहीं। वैसे भी आज काफ़ी क्राउड होने वाला है, जल्द से जल्द ऊपर पहुंचने का कोशिश करते हैं हिल के ऊपर। और सबसे टेंशन वाली बात यह है कि आज तो मंडे है, पता नहीं ऊपर बाइक जाने देगा या नहीं देगा, अगर नहीं जाने दिया तो पैदल जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ से निकल के आपसे बाहर मिलता हूँ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हेलो दोस्तों, मैं अभी बाहर निकल चुका हूँ जैन भवन से, जहाँ मैं रात में स्टे किया था। और ये जो है, आप दोनों तरफ देख सकते हो, दुकान है चाय का, और मैं भी चाय का चुस्की लेना चाहूँगा अभी, क्योंकि सुबह सुबह अभी सही तरीके से तो नींद खुला नहीं है इसीलिए। और ये सामने का आप नज़ारा देख रहे हो, ये पहाड़ देख रहे हो, ये पारसनाथ हिल है, तो मैं इसी के ऊपर जाने का अभी बाइक के ज़रिए कोशिश करूंगा। तो पहले चाय ब्रेक हो जाए, फिर आपसे मिलता हूं। सो जैसा कि दोस्तों, चाय ब्रेक ख़त्म हो चुका है, और अब मैं पारसनाथ जो हिल है उसके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। तो देखता हूं बाइक जाने देता है या नहीं देता है। और कल मैं यहाँ रात में आया था, यहीं से रात का डिनर किया था, कुछ ज़्यादा भारी हैवी नहीं खाया था, एक डोसा था और चाय पिया था बस, और 2 बिस्कुट ले लिया था एक्स्ट्रा। खैर, अभी तो चाय पी के काफ़ी एनर्जी आ चुका है, तो देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे आपको दोनों तरफ रास्ते का मंदिर मिल जाएगा, जैन मंदिर, तो माहौल बहुत अच्छा है। अभी और भी हो रहा है निर्माण, जैसे ये देख सकते हो अब, तो सही है। और ये रहा पहाड़, देख सकते हो। तो दोस्तों, ये है पारसनाथ, और अभी मुझे बताया गया कि शायद बाइक बंद कर दिया, पर पता नहीं, बोला देखिए आप जाके, देखते हैं जाके क्या होता है, कहाँ तक जा पाता हूँ मैं। फिलहाल तो अब मैं ऊपर की ओर बढ़ रहा हूँ, और एक चीज़ थोड़ा डेंजरस है कि यहाँ पे कोई ये नहीं दिया हुआ, रेलिंग नहीं दिया हुआ है, मतलब अगर ज़रा सा भी बैलेंस डिसबैलेंस होता है तो आप गिर जाओगे। सर, एक रिक्वेस्ट रहा मेरा भी, प्लीज़ अगर हमको छोड़ दीजिएगा तो हम बहुत दूर से आए, हम कौन आदमी है, नहीं आदमी है, ऐसे छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, एक सेकंड, हम मैं जरूर जरूर, क्यों नहीं, मैं जरूर अपना, देखो कोई भी आता है यहाँ तो गया, तुमको मार के बिक देगा तो फिर हमको क्या जवाब मिलेगा? जी 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 जरूर, दिखाओ साहब से आदेश लो। जी 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 जी, पूजा वाला आदमी जाए। हाँ जी जी, जरूर जरूर जरूर, एक सेकंड सर, ये मेरा आधार कार्ड है सर, मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से आया हूँ, ऐसे मैं टूर में भी निकलता हूँ घूमने के लिए। आगे जाके कच्चा रास्ता कटता है, उसमें कट जाएगा। जी जी, इसी रास्ता पकड़ेगा। अच्छा अच्छा जी, थैंक यू। हम लेके आ रहे हैं, आप लोड मत लीजिए, सब कर लेगा। थैंक यू सर।
और दोस्तों ये आप देख पा रहे हो सामने इस तरीके से, जो शख्स ऊपर जा नहीं सकता है, जो थोड़ा उम्र दराज है, वो लोग यहाँ पे इस तरीके का डोली करके ऊपर की ओर जाता है, तो उनका कुछ रेट अलग ही है। दोस्तों ऊपर मैं जितना ऊपर जाता जा रहा हूँ उतना टन काफ़ी साफ हो रहा है, और काफ़ी मतलब इस तरीके का ऊंचा, मतलब 45 डिग्री जैसा ऊंचा है। मतलब बाइक तो दो गियर में जा ही नहीं रहा, एक गियर में ही लेके जाना पड़ रहा मुझे। तो भाई फर्स्ट टाइम इतने ऊंचे पहाड़ पे बाइक चला रहा हो, ओहो एक्सपीरियंस तो अलग ही है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कुछ जगहों पे आपको खाने पीने का दुकान मिल जाएगा, जैसे बिस्किट पानी चाय। तो आपको अगर ऊपर चढ़ते वक्त थोड़ा भूख लग जाए, थोड़ा प्यास लग जाए, तो आप यहाँ से पानी बिस्कुट खरीद के खा सकते हो। वो ऊपर नज़र आ रहा है मंदिर, तो वहीं पे जाना है। चलो देखते हैं पहुँच पाते हैं कि नहीं। पहुँच तो जाएंगे, आए हैं तो पहुँचने के लिए ही आए हैं। A few moments later. नहीं वो तो हैंडल लॉक करना है या छोड़ देना है? जैसा आपका मर्जी, आपका गाड़ी है जैसा। तो हम लॉक कर दे रहे हैं, ठीक है। वैसे उसका वेट से कहीं ऐसे झुक ना जाए। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने बाइक पार्किंग वहाँ पे कर दिया, और अब मुझे मैंने वैसे हेलमेट भी वहाँ रख दिया, और गोप्रो मैंने निकाल लिया हूँ, और काफ़ी संभाल के रखने के लिए बोला हूँ हेलमेट को। और जो अभी मुझे ऊपर की ओर चढ़ना है वो है सीढ़ी, ये मेरे पीछे आप देख लो, ये पूरा सीढ़ी आप जाता है वो ऊपर तक जाता है। तो अभी मुझे ऊपर चढ़ना है। अच्छा हुआ कि मैं ज़्यादा कुछ खाया नहीं, तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता, और पानी का बोतल मेरे साथ में है। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ आप लोगों को कि यहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं है। मेरा तो दो सिम है, एयरटेल और जियो, जो वेस्ट बंगाल का है तो नहीं है, लेकिन शायद यहाँ का अगर हो सिम, झारखंड है शायद ये, तो आपको शायद नेटवर्क मिल सकता है। अच्छा अभी और एक बात पता चला मुझे कि यहाँ पे जो मोबाइल का नेटवर्क है ये कुछ कुछ जगह पे आ रहा है, फिर वापस अगर आप पैदल चलते हुए बातें करोगे तो कट जाएगा। आपको जहाँ पे नेटवर्क आ रहा है वहीं पर खड़ा है होके आपको बात करना पड़ेगा, नहीं तो नेटवर्क नहीं मिलेगा। दोस्तों मैं पिछले 20 मिनट से ऊपर की ओर बढ़ रहा हूँ, और जितना ऊपर की ओर बढ़ रहा हूँ उतना ये जो आप देख रहे हो मेरे पीछे ये बादल है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जहाँ से मैं चल रहा हूँ, मतलब डरावना बोलूँगा, जैसे लगेगा जो भूत वाला फिल्म होता है ना भूतों का, उस टाइप का आपको ये जगह ये सीन लगेगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, और ये है दोस्तों कुछ ऐसा नज़ारा। अभी सुबह का 8:40 हो रहा है, और ये पारसनाथ का हिल का नज़ारा आप देख लो, मतलब बहुत ही डरावना लग रहा है। और ये पूरा देख लो अच्छी तरीके से, पूरा ना आगे कोई ना पीछे कोई, बस हम अकेला, और ये जंगल के बीचों से रास्ता पारसनाथ की ओर मैं आगे बढ़ता हुआ, थोड़ा तो डर लग रहा है। और दोस्तों हिम्मत बढ़ाने के लिए अभी मुझे एक ये डंडा मैंने हाथ में लिया हूँ, पता नहीं कौन जानवर कहाँ से आ जाए, तो एक सेफ्टी चीज़ होना चाहिए, तो इसे लेके मैं घूम रहा हूँ और ऊपर जा रहा हूँ। तो दोस्तों हेलो, अभी का अपडेट यही है कि मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ पारसनाथ हिल के ऊपर। ये जो है ये अगर मेरा पीछे आप देखोगे तो ये पूरा मतलब ये बोल सकते हो बादल कुआसा जिसे बोला जाता है वो है, और अगर ये क्लियर रहता तो काफ़ी अच्छा पीछे नज़ारा, पूरा खाई है और पहाड़ है पीछे पूरा। तो बस और 10 मिनट लगेगा मुझे ऊपर जाने में, फिर ऊपर से देखता हूँ, अगर क्लियर व्यू मिलता है तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ का नज़ारा दिखाने का कोशिश करूँगा मैं। तो मैं अभी बढ़ता हूँ ऊपर, और फाइनली दोस्तों मैं पारसनाथ जो धाम है वो ऊपर मंदिर में मैं पहुँच चुका हूँ। बस आपको नज़ारा दिख रहा होगा कि बस थोड़ा सा दूर है, और मैं पारसनाथ जो मंदिर का प्रवेश द्वार है मैं आगे बढ़ता हुआ प्रवेश करूंगा। पता नहीं कैमरा अलाउ है या नहीं है, देखता हूँ।
दोस्तों मैं अंदर कैमरा नहीं लेके गया क्योंकि अंदर काफ़ी मैंने क्राउड था और मैं खुद भी अंदर जाने वाला था, तो एक आदमी के बस पे नहीं है कि कैमरा भी करना और हाथ जोड़ना मंदिर में, तो इसीलिए मैं कैमरा अंदर लेके नहीं गया और निकाला भी नहीं क्योंकि मुझे लगा नहीं कि यहाँ पे कैमरा करना चाहिए, वीडियो करना चाहिए, तो माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। दोस्तों मैं अभी पारसनाथ जो धाम है उससे नीचे की ओर मैं जा रहा हूँ अपने बाइक की तरफ क्योंकि अब घर जाना होगा। 2000 years later. दोस्तों आप लोग ये रास्ता देख रहे हो, ये सीधा जाता है माइथन, तो जिसे भी अगर माइथन आना हो तो कोलकाता से आप देख लो ये माइथन के लिए जाता है अंदर, और जो माइथन का जो दूरी है वो है 250 किलोमीटर कोलकाता से, तो मैं पारसनाथ जो है वहाँ से पारसनाथ हिल से मैं तकरीबन 100 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ, तो पारसनाथ से 100 किलोमीटर दूर पे आपको मिल जाएगा माइथन, और फिर माइथन से कोलकाता लगभग यहाँ पे मुझे दिखा रहा है 250 किलोमीटर, और मैं आसनसोल पहुँच चुका हूँ। ये देखिए आसनसोल सिटी, आपको ये राइट लेना पड़ेगा, तो चलो ठीक है, टाइम तो थोड़ा मेंटेन कर रहा हूँ मैं, अभी 2:30 होने वाला है, तो ठीक ठाक टाइम को मेंटेन करते हुए मैं जा रहा हूँ, तो अच्छी बात है। और जो मेरा खाने का सीन है वो एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि बर्धवान जाके जो शक्तिगढ़ है वहाँ पे मैं खाना खाऊं। अभी टाइम हो रहा है 4:10 और अभी मैं हूँ बर्धवान का सिग्नल में, तो 4:10 हो रहा है और ठीक टाइम मेंटेन किया हुआ है, और शक्तिगढ़ यहाँ से ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा पेट पूजा करूँगा, तो बस ये सिग्नल खुले फिर मैं निकलता हूँ और आपसे मिलता हूँ मैं शक्तिगढ़ में। दोस्तों अभी मैं हूँ शक्तिगढ़ में और यहाँ पे मैंने अपना लंच का इंतज़ाम कर लिया है, तो आज का जो लंच है मेरे लिए अभी मैं दिखाता हूँ आप लोग। ये दोस्तों अभी मेरा लंच देख लीजिए, ये है ब्रेड पकोड़ा और वो है फेमस यहाँ का लेंचा और यहाँ पे संदेश और ये एक मिठाई, तो जल्दी से जल्दी खा के मैं निकलता हूँ घर की ओर, और अभी टाइम हो रहा है 4:50। चलिए दोस्तों हो चुका है मेरा लंच बोल सकते हो आप, और ये है लेंचा बाज़ार, तो यहीं से मैंने अभी लंच किया, अब घर की ओर जल्द से जल्द मैं पहुंचूं घर। और यहां से दोस्तों घर मेरा पड़ेगा 102 या 103 किलोमीटर दूरी है मेरा घर, हाँ, तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। जहां तक मेरा सोच है कि 2 घंटे के आसपास तो लग जाएगा, 5 बज रहा है 7 बज जाएगा, देखता है थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों फाइनली मैं अपने घर के नीचे हूँ और बस पहुँच चुका हूँ, अभी 7 बज रहा है शाम का, तो बहुत जाम था सातरागाछी का उधर से, तो काफ़ी जाम था, तो सही सलामत घर पे पहुँच गया हूँ, अब मैं ऊपर जाऊँ और फ्रेश हूँ, तो वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करूंगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वो बेल का आइकन ज़रूर दबा देना, तो मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।